नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरमीत सचदेव, डायरेक्टर साईं कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई। आज आपसे हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स 2020 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। आप सब जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरे देश में एक लॉकडाउन की स्थिति है और छत्तीसगढ़ राज्य बहुत लकी रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के समय पर निर्णय लेने के कारण छत्तीसगढ़ में इस बीमारी का संक्रमण न के बराबर रहा है अभी तक, और हमें आशा है कि हमारा राज्य, हमारा देश इससे जल्दी बाहर निकलेगा। स्टूडेंट्स, हमें लगातार स्टूडेंट्स आप सबके फ़ोन आ रहे हैं। मैं साईं कॉलेज के स्टूडेंट्स और अन्य कॉलेजों के स्टूडेंट्स जो हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के अंतर्गत परीक्षाएं देने वाले हैं, एनुअल एग्जाम्स की परीक्षाएं देने वाले हैं, उनसे ये जानकारी जो आज विश्वविद्यालय ने 7 अप्रैल 2020 को जारी की है, उस संबंध में मैं आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जानकारी देने से पहले मैं आपको सबको निवेदन करूंगा कि लॉकडाउन का डिसिप्लिन वे में पालन करें। जितना हम लोग ज़्यादा सीरियसली इस लॉकडाउन का पालन करेंगे, उतनी जल्दी ये लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होगा। स्वस्थ रहें, अपने आप को बचाएं, अपने आसपास के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं ताकि लोग कम से कम लॉकडाउन पीरियड में बाहर निकलें। स्टूडेंट्स, जो आपकी बार बार क्वेरीज आ रही हैं, एनुअल एग्जाम्स कब होंगे, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, मैं आज कोशिश करूंगा आज की स्थिति में, आज 7 अप्रैल 2020 है, आज की स्थिति में जो विश्वविद्यालय ने एक आदेश, एक निवेदन, एक अपील सबके साथ साझा की है, मैं वो आपको दिखाऊंगा भी और उसके मायने भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। विश्वविद्यालय ने सभी स्टूडेंट्स से, सभी कॉलेजेस के सभी टीचर्स, सभी प्रिंसिपल से अपील की है और सभी स्टूडेंट्स को यह जानकारी दी है कि जैसे ही राज्य शासन से उन्हें निर्देश मिलेंगे, वो परीक्षाओं का नया टाइम टेबल जारी करेंगे। और स्टूडेंट्स को विश्वविद्यालय ने कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इस अपील के द्वारा देने का प्रयास किया है, जो मैं आपको उस अपील को दिखाऊंगा भी स्क्रीन पर। उस अपील में विश्वविद्यालय ने कहा है कि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी पूरी रखें, स्टूडेंट्स पैनिक ना हो। आपको अपनी तैयारी, जैसा आप एंड एग्जाम्स के लिए प्लान करके तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, वैसे करते रहें। विश्वविद्यालय ने आपको समय रहते एक चीज़ बताई है आज इस अपील के माध्यम से कि हो सकता है आपको जो दो पेपर के बीच में गैप मिलता है वो कम मिले या ना मिले, और हो सकता है कि छुट्टियों के दिनों में भी परीक्षाएं हों। तो बहुत अच्छा है विश्वविद्यालय ने, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय ने, उन्होंने आपको समय रहते इस चीज़ों से अवगत करा दिया है ताकि आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करें। जनरली स्टूडेंट्स को आदत होती है कि वो दो पेपर के बीच में जो गैप है उसमें कुछ पोर्शन छोड़ देते हैं कि हम तैयारी उस समय कर लेंगे। ऐसा मत करिएगा, आप अपनी तैयारी वेल प्लान तरीके से पहले से करिए, क्योंकि हो सकता है आपको दो पेपरों के बीच में गैप ना मिले, कम मिले या ना भी मिले। हो सकता है आपको छुट्टी के दिन भी परीक्षाएं हों, तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता है, एक अपना सुचारू रूप से एक परीक्षा की तैयारी का आप टाइम टेबल बनाते ही होंगे, एक बना लें, प्लान कर लें कितने टोटल विषय हैं, कितने दिन आपके पास हैं संभवतः, और उन दिनों को बांट लें अपने पूरे सिलेबस को और पहले से तैयारी करें। मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो जो विश्वविद्यालय की अपील है वो भी आपसे साझा करूं। ये आज आप देख सकते हैं 7 अप्रैल 2020 को विश्वविद्यालय ने ये अपील जारी की है, जिसमें उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से अपील की है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार परीक्षाएं आयोजित होने पर कम गैप देकर अवकाश के दिनों में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अतः छात्रों से अनुरोध है कि वे उसी अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी रखें, शासन के निर्देश की प्रतीक्षा करें, पैनिक न करें, परेशान न हों। आपको, आप सब तक जानकारी पहुंचेगी
आप भी सचेत रहें, विश्वविद्यालय की वेबसाइट को निरंतर देखते रहें। विश्वविद्यालय ने यही लिखा है कि छात्रों से अनुरोध है कि अपनी उस अनुसार अपनी परीक्षाओं की तैयारी रखें और शासन के निर्देशों का इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। और विश्वविद्यालय की वेबसाइट durguniversity.ac.in का निरंतर अवलोकन करते रहें। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को भी ये निर्देश दिए हैं कि इस जानकारी को वो अधिक से अधिक छात्रों तक डिजिटल माध्यमों से पहुँचाएँ। इसी अपील के को मद्देनज़र हमने साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई ने आज ये निर्णय लिया है कि हम निरंतर अपने यूट्यूब चैनल साई कॉलेज भिलाई के यूट्यूब चैनल पर हम आपको परीक्षा संबंधी लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। परंतु मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आप पॉजिटिवली यूनिवर्सिटी की अपील में जो लिखा हुआ है स्पष्ट कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in का निरंतर अवलोकन करते रहें और वहाँ आपको सही सटीक जानकारी मिलेगी। र्यूमर्स पे ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। साथ ही साथ साई कॉलेज अपना अपना दायित्व निभाते हुए हम आपको अपने YouTube चैनल पर निरंतर जो भी विश्वविद्यालय के अपडेट्स आएंगे उसको हम वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, ताकि हम जो विश्वविद्यालय की जो भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको हम समझाकर वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकें। स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस एक महामारी है जो आप सब जानते हैं, और इस महामारी से बचने का केवल एक ही उपाय है, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग। तो मैं आप सब से पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपको साई कॉलेज का यूट्यूब चैनल किस तरह से आप पहुंच सकते हैं उस तक, मैं वो भी आपको कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। आप गूगल में जाएं और साई कॉलेज भिलाई YouTube टाइप करेंगे तो जो पहला लिंक आएगा वो हमारे कॉलेज के YouTube चैनल का है। इसे आप क्लिक करें और इसमें आप सब्सक्राइब करें। इसमें हम हमारे साई कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन लेक्चर्स भी आयोजित किए जा रहे हैं, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स स्टूडेंट्स के लिए, PGDCA और DCA के स्टूडेंट्स के लिए और MSc बायोटेक के स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो चुके हैं लेक्चर्स, जल्दी ही BBA के लिए भी शुरू होंगे। तो इन लेक्चर्स का साई कॉलेज के अलावा बाहर के स्टूडेंट्स भी इसका फायदा ले सकते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए आपको एक वीडियो भी शेयर करता हूँ कि लाइव लेक्चर्स आप किस तरह से, हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे आप और यहाँ जैसे कि एक विजुअल बेसिक कॉल बाय वैल्यूज, कॉल बाय रेफरेंस एक वीडियो अपलोडेड है, इस वीडियो को आप देखकर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वीडियो प्ले होगा एंड यू कैन लर्न सिटिंग एट होम। स्वस्थ रहें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का सीरियसली पालन करें, लॉकडाउन में बाहर ना निकलें जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in को निरंतर देखते रहें और साई कॉलेज यूट्यूब चैनल को निरंतर देखते रहें। हम लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पोस्ट करते रहेंगे आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, पढ़ाई करते रहें, फोकस्ड रहें, अपना सिलेबस कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कवर करके कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।